हाथ कट गया हम लोग का। गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। टुडे इज़ ऑन 19 अक्टूबर। आज हम लोग सुबह में कोचिंग तो गए थे मगर वहाँ से ब्लॉग नहीं शूट किया था हमने, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है। गया जैसे कोचिंग शूट करने के अलावा ना, मतलब कि बहुत बोरिंग हो जाता है ब्लॉग, एक्सटेंड भी कर जाता है और बहुत मतलब बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं आज कोचिंग का तो नहीं शूट किया। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा एक दो काम दिन में फिनिश करने के बाद शाम में हम लोग जा रहे घाट। वहाँ पे कुछ कुछ आपको सिनेमेटिक वीडियोज भी मतलब कि बहुत सारे देखने को मिलेंगे और ब्लॉग्स भी मैं बनाऊंगा, और वहाँ पे गंगा आरती जो होगी वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और कुछ कुछ चीज़ें मतलब कि जो घाट वगैरह जो काफ़ी पुराने यहाँ पे, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा घाट पे। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है, आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग घाट पे जा रहे हैं, काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं, मज़ा भी आएगा और हम लोग सिनेमेटिक वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करेंगे। गाइस एक दो काम जो मेरे बचे हुए वो मैं फिनिश करके डायरेक्ट अब आप लोगों को रेडी होकर मिलता हूँ ब्लॉग में, तब तक के लिए थोड़ी देर अभी रेडी हो जाते हैं। गाइस दोपहर का काम हमने मतलब कि फिनिश कर लिया था, जो दो काम था हमारा, फिर उसके बाद अब हम लोग रेडी हो चुके हैं घर आके। अब यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्टली जाएंगे हनी के घर पे जाएंगे, फिर उसे पिक करके फिर वहाँ से हम लोग घाट निकलेंगे। सो चलते हैं अब गेटेड होल के आराम से, फिर हनी के घर के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे घाट। गाइस हम लोग हनी के घर पर आ गए, तो उसको हम लोग कॉल कर दिए, वो अभी अपने घर से आता ही होगा, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा अपने घर से। गाइस हनी भी आ गया, उसके साथ अब हम लोग घाट जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? सो मच। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पीछे हम लोग गाड़ी खड़ी कर दी अपनी, अब यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे घाट के साइड, हनी भी हम लोग के साथ ही। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, दशाश्वमेध आ गए, अब यहाँ से हम लोग घाट के साइड जा रहे हैं। भीड़ है यार आज, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभी इतना ज़्यादा भीड़ है तो आरती के बाद कितनी भीड़ होगी फिर? बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग दशाश्वमेध घाट आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे आरती की सब लोग अभी से ही तैयारी हो गई यार, ये देखो अभी से ही मतलब कि लोग बैठ के अभी से ही वो चेयर पे बैठ गए, अलग क्रेज़ है भाई बनारस में घाट के आरती का यार, ये देखो आप लोग अभी से ही मतलब कि चेयर वगैरह लग गया है, अब थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे, भीड़ खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। गाइज आप लोग एक चीज़ दिखाता है, यहाँ पे गंगा जी में जब बाढ़ आया था तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह पूरा ऊपर आ गया था, फिर इसको काट के मतलब कि मिट्टी नीचे गिराया जाता है पानी के थ्रू, तो वहाँ पे हनी चला गया था, उसे पता नहीं था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि मिट्टी दलदल टाइप का है, उसका पैर रुको आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई पैरों में मेहंदी लग गए, पैरों में हनी के मेहंदी लग गई है गाइज। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे, फिर उसके बाद जाना ही है। गाइस हम लोग घाट पे आए हुए थे, पतंग कट के आ गई, वो देखो हम लोग की पतंग है, अब हम लोग जा रहे हैं उड़ाने, थोड़े देर एक पतंग काट चुका हम, दूसरी पतंग जा रहे काटते हैं, कट भी सकते हैं, ये आई नहीं जाए लड़ाने। लड़ाएगा अभी, सुनो मैं अगर पतंग काट दूंगा तो भाग कर चिल्लाओगे ना साथ में, तो इसको निचली काट दिया। गाइस पतंग उड़ा रहे थे हम लोग बहुत दिन बाद, हाथ कट गया हम लोग का, हाथ कट गया है, अब दूसरी पतंग काटने की तैयारी हो रही है। आपके फैंस आपसे मिलने आए? चलो चला जाए। हम लोग गए पतंग उड़ा के आगे बढ़ चुके, छोटे बच्चे को हमने पतंग दे दिया, उसे चार पतंग काटे हम लोग, फिर वो बच्चा मांग रहा था तो उस बच्चे को हमने पतंग दे के फिर हम लोग आगे बढ़ गए।
आगे आप लोगों को और भी चीजें घाट पे दिखाएंगे यार। मजा आया लेकिन, बहुत दिन बाद पतंग उड़ाया लेकिन मजा बहुत आया। गाइज अब हम लोग घाट पे से मतलब की पानी के पास से अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे पशुपतिनाथ का मंदिर। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, पशुपतिनाथ के मंदिर जा रहे हैं। ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ से बहुत प्यारा व्यू है यार, कुछ भी बोलो लेकिन बहुत प्यारा व्यू है। गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं पशुपतिनाथ। ये देखो आप लोग रास्ता, ये छोटे वाले गेट से हम लोग को जाना है। गाइस हम लोग के पीछे पशुपतिनाथ की मंदिर है, वहाँ पे जो दूसरा वाला रास्ता था वाला रास्ता बंद था, हम लोग दूसरे रास्ते से आए लेकिन ये मंदिर में हम लोग आ गए। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, आप लोग को अंदर का दिखाते हैं। महादेव की मंदिर है भाई पशुपतिनाथ, यहाँ पे आप लोग देख लो कितना प्यारा व्यू है। ये देखो कितना प्यारा है, हम लोग स्टिकर लगा लिए। हम लोग पशुपतिनाथ से निकल गए, अब हम लोग कॉरिडोर के पास हैं। ये हम लोग आज पहली बार इस जगह पे आए हैं, अनजान से ही आ गए लेकिन आ गए। आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो आप लोग भाई क्या व्यू है यार। ये घर तो मान लो यहाँ पे, ये वाला जो घर बना हुआ है इसके उधर, वो इतना अच्छा नहीं है। ये देखो भाई पहली बार ही आए हैं लेकिन बहुत प्यारा है। ये देखो आप लोगों को मूर्ति दिखाता हूँ, गाइस हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत ढेर सारा क्लिक करवा चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आरती देखने, अब आप लोगों को भी आरती दिखाते हैं। हम लोगों को लग रहा है गाइस थोड़ा लेट हो चुका है, थोड़ा लेट हो गया क्या? हाँ भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेट हो गया नहीं, थोड़े लेट हुआ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। चलो देखते हैं क्या होता है आगे, मज़ा लेकिन आएगा आज, मज़ा लेकिन बहुत आया। नहीं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आप लोगों को घाट का। गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आरती स्टार्ट हो गई है, हम लोग 2 या 3 मिनट लेट आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ का क्राउड दिखाता हूँ, भाई अच्छा खासा क्राउड है यार यहाँ पे, मतलब कि लोग काफी ढेर सारे आए हुए हैं, आज भी भीड़ है आज भी। गाइस ये चेक करो ये कितना यार कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पास से आरती देखने में का। आप लोग ये चेक करो, thank you।
लोग गंगा आरती आज पूरा हम लोग सामने से देखे यार, मतलब कि फील आता है, एक हेवन टाइप का मतलब कि वो होता है यार। हम लोग प्रसाद भी मिल गया, हम लोग इसको लेके घर जाएंगे, मम्मी पापा को भी देंगे क्योंकि यार ये लेके घर ही जाना है। हालांकि यार एक बार दिखा दो यार, एक बार उधर भी दिखा दो, क्या मतलब कितना हालांकि भाई फील आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा था ना यार आज। क्राउड देखा गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है यार, आरती अभी भी जस्ट खत्म हुई है तो इतने सब लोग एक साथ मतलब कि निकलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड देखने को मिलता है। गाइस ये गेट नंबर एक है विश्वनाथ जी का, यहाँ पे मतलब कि सामने ही गोदौलिया आरती यहाँ पे होती है, यहाँ पे गेट नंबर एक है। ये देखो क्राउड देखो आप लोग यार, क्या क्राउड है यहाँ पे आज, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे यार, इससे कितना ज़्यादा क्राउड है ना कि अगर आप जहाँ देखोगे इस टाइम सिर्फ आपको सबकी मुंडी सिर्फ दिखेगी, सर की सिर्फ मुंडी दिखती रहेगी आपको, बहुत क्राउड है यार। ये देखो गाइस हम लोग हनी के घर आ चुके हैं, उसको यहाँ पे हम लोग ड्रॉप करके अब अपने घर के लिए निकलेंगे। आज बहुत मजा आया यार, सच बोलो तो आज बहुत मजा आया, हम लोग काफी चीजें एक्सप्लोर की हैं, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब हनी अपने घर जाएगा, हम लोग भी अपने घर जाएंगे, रात के 8:30 बज रहे हैं, ये वाला ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा गाइस। अब चलते हैं घर पे अपने। फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए, अब चेंज कर लिया, अब हम लोग खाना ना खा चुके हैं, 10:30 बज रहे हैं, एडिटिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं किया। आज के ब्लॉग को हम लोग गाइस यहीं पे एंड करते हैं, एडिटिंग करके मैं इसे रात में या फिर कल मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा एडिटिंग में टाइम लगेगा। तब तक गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू, टाटा बाय।